कभी कभी मौके दबे पांव आते हैं और हम उन्हें पहचान तक नहीं पाते। ऐसा ही एक मौका 90 के शुरुआती दौर में बॉलीवुड के जाने माने सिंगर अलका याग्निक और कुमार सानू के पास भी आया था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे इस मौके को जाने दिया, जिसका उन्हें ताउम्र अफसोस रहा। नमस्कार, मैं खुशी रावत हूँ और आप मुझे देख रहे हैं द बिग केसेस पर। तो ये बात 90s के शुरुआती सालों की है। अलका याग्निक और कुमार सानू हिंदी फिल्म म्यूजिक के शीर्ष पर पहुंच चुके थे। उनके नाम तब तक कई हिट फिल्मों के गाने दर्ज हो चुके थे। अलका तब बैक टू बैक हिंदी फिल्मों में काम कर रही थी। उसी दौरान उन्हें साउथ इंडिया से एक उभरते हुए युवा संगीतकार का फोन आया। वो अपनी तैयार की गई धुनों को अलका याग्निक और कुमार सानू की खूबसूरत आवाज से सजाना चाहता था, लेकिन अलका को इस लड़के के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो युवा कौन है, इससे पहले क्या काम कर चुका है, वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पता था। इसी सिलसिले में अलका याग्निक ने कुमार सानू को फ़ोन मिलाया, पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसा कोई ऑफर आया है। कुमार सानू ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि हाँ, उन्हें भी इस संगीतकार का फ़ोन आया है। अलका ने फिर सानू से पूछा कि क्या वो इस युवा के साथ काम करेंगे। जवाब में कुमार सानू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो नहीं जानते लड़का कौन है, किस तरह का काम कर चुका है, इसलिए ऐसे में उसके साथ काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दोनों ने अपनी आपसी बातचीत के दौरान एक ही स्वर में कहा, कौन है यार रहमान? अलका याग्निक ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि उस वक्त संगीतकार यार रहमान उन्हें रोजा के गाने गवाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों ने इससे साफ इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में रोजा के सभी गाने हिट हो गए और इसी के साथ एआर रहमान भी रातों रात हिट हो गए। अलका याग्निक ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि उन्होंने इस फिल्म के गाने गाने से मना कर दिया था और ये एक तरह से दीवार पर सिर मारने जैसा हुआ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। अलका ने स्वीकार किया कि रोजा के सभी गाने बेहद खूबसूरत थे और उन्हें ना गा पाना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि बाद में उन्होंने सुभाष घई की फिल्म ताल में एआर रहमान के साथ काम किया। फिल्म के लिए अलका ने ताल से ताल मिला और रमता जोगी जैसे सुपरहिट गाने गाए थे। अलका बताती हैं कि रहमान उन्हें ये बात कभी नहीं भूलने देते कि उन्होंने रोजा रिजेक्ट कर दी थी। जितनी बार भी वो दोनों मिलते हैं या साथ में काम करते हैं, रहमान हर बार ये टॉपिक छेड़ते हैं कि आपने रोजा के गाने नहीं गाए और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था। तो द बिग फेसेस में फिर किसी नए चेहरे की बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी करें और ऐसी तमाम नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।